अलवर शहर में पानी की समस्या को लेकर लोगों का जलदाय विभाग के चक्कर लगाना एक बहुत ही आम बात हो गई है। गुरुवार को शहर के विवेकानंद नगर के लोग मुख्य मनु मार्ग स्थित जलदाय विभाग पहुंचे, जहां सहायक अभियंता का घेराव करते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई। स्थानीय लोगों का कहना था कि क्षेत्र में एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आता है, लेकिन आज वह भी नहीं आया। वहीं यह समस्या यहीं तक नहीं है, क्षेत्र में पिछले कई दिनों से 40 से 50 घरों में गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है, जिसका मुख्य कारण अवैध कनेक्शन होना है। अवैध कनेक्शनों के चलते क्षेत्र में गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है, जिसको लेकर कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन समस्या का कोई भी समाधान अभी तक नहीं किया गया। पानी हमारे यहाँ नहीं आ रहा, 15-20 दिन हो गए इनको, कई बार बार मिल रहे हैं। 3 साल पहले अमृत योजना डली थी, आज तक प्रभावी रूप से चालू नहीं हुई है। अभी कहा तो क्या आश्वासन दिया? अभी ये बार बार आश्वासन ही देते हैं और कुछ करते नहीं है। पिछली बार आश्वासन दिया था मैं JEN को भेजूंगा, आज तक JEN नहीं आई साइट पर, और आप ये कह रहे हैं मैं एक घंटे मारा हूँ, पता नहीं एक घंटा कब होगा इनका, आप देखते हैं। तो अभी कहाँ से कैसे लेके आ रहे हैं? ये पानी आई नहीं रहा, लेके कहाँ से आएंगे? अभी टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं, कभी किसी का टैंकर आया, कभी किसी का टैंकर आया, मोहल्ले में लगातार टैंकर आ रहे हैं। क्या एक ही क्षेत्र में समस्या है? कितना पानी, क्या एक ही क्षेत्र में समस्या है? नहीं, उसमें पूरा जो है, ये हमारा जो न्यू राय स्कूल के आसपास पूरा इलाका है, उसमें 30-40 घर है, उसमें पूरे में किसी के पानी नहीं आ रहा। कितना समय हो गया? जो पहले पुरानी लाइन थी उस पे आए तो महीनों हो गए, कई महीने हो गए। हाँ। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले एक नई लाइन शुरू हुई थी अमृत योजना में, वो 2-3 दिन आया पानी, ये अल्टरनेट डे, और उसके बाद वो बंद हो गया। क्या नाम है आपका? बीबी शर्मा।